सोच में सकारात्मकता लाएं, जीवन को बेहतर बनाएं। मनोदर्पण पर कॉल लगाएं, मनोबल अपना और बढ़ाएं। मनोदर्पण पर कॉल लगाएं, मनोबल अपना और बढ़ाएं। चलो आज ही प्रण ले हम, मानसिक स्वास्थ्य सुधारे हम। चलो आज ही प्रण ले हम, मानसिक स्वास्थ्य सुधारे हम। मनोदर्पण के काउंसलर से परामर्श पाने के लिए डायल करें टोल फ्री नंबर 8448440632। नंबर एक बार फिर सुने 8448440632। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस विशेष लाइव फोन इन इंट्रक्शन सेशन में, और आपके साथ मैं याशु गांधी। जैसा कि हमारे कार्यक्रम का नाम है सहयोग, सहयोग यानी एक दूसरे से मिलकर कुछ इस तरीके से सहयोग करें कि हम सबका एक साथ न केवल शारीरिक और मानसिक विकास हो, बल्कि भावनात्मक रूप से भी हम सब एक दूसरे से जुड़ सकें और जीवन में आगे बढ़ सकें। इसी श्रृंखला में हमारा आज का जो टॉपिक है, जो विषय है, वो है नेविगेटिंग एकेडमिक अचीवमेंट थ्रू अफेक्टिव स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप। और इस पर विस्तार से चर्चा करने के लिए, बात करने के लिए हमारे पास हमारे साथ जो पैनल मौजूद है, आइए आपका भी उनसे परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ जो एक्सपर्ट हैं वो हैं NCERT RI भोपाल से हमारे साथ डॉक्टर आनंद राय जुड़े हैं। सर, गुड इवनिंग एंड वेरी वार्म वेलकम टू यू इन दिस सेशन। डॉक्टर आनंद, एम आई ऑडिबल टू यू? सर, गुड इवनिंग मैडम। Shall I start, ma'am? हाँ सर, कुछ पल हमें और दें। साथ ही हमारे साथ डॉक्टर दीपेश जुड़े हुए हैं जो कि प्रैक्टिसिंग काउंसलर हैं। दीपेश सर, गुड इवनिंग एंड वेरी वार्म वेलकम टू यू। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? परफेक्ट मैम, आप कैसे हैं? सब कुछ बहुत बढ़िया, और हमारे जो अभिभावक और जो बच्चे ये कार्यक्रम देख रहे हैं वो और बढ़िया हो जाएं, इसी के लिए हम ये चर्चा रखते हैं, ये कार्यक्रम रखते हैं। तो बच्चों और अभिभावकों, आप सबके पास हमारे नंबर्स मौजूद होंगे, अगर नहीं है तो नोट कर लें और हमसे आप संपर्क कर सकते हैं। इस सेशन से जुड़ी हुई हमारे एक्सपर्ट्स से अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं तो वो आप हमसे पूछ सकते हैं। हमारा जो ईमेल एड्रेस है उसके माध्यम से भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हमें अपना फीडबैक दे सकते हैं। तो बढ़ते हैं आगे और अपने एक्सपर्ट की तरफ चलते हैं। जैसा कि कहते हैं कि टीचिंग अपने आप में ऑप्टिमिज्म की, या यूं कहें कि सकारात्मकता की एक बहुत बड़ी पहचान है, और हमारा जो आज का विषय है वो भी इसी से जुड़ा हुआ है कि संबंध एक शिक्षक का, एक गुरु का अपने विद्यार्थी से। डॉक्टर दीपेश, मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहूँगी कि जब हम किसी भी संबंध या किसी भी रिलेशन की बात करते हैं तो जब हम उसे साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट से मनोवैज्ञानिक तौर पर देखते और समझते हैं, तो यहाँ पर जब हम आज बात कर रहे हैं गुरु की यानी कि शिक्षक की और उनके शिक्षार्थी की, विद्यार्थी की, टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप की, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जी, जैसे कि हम बात करते हैं कि शिक्षक और शिक्षार्थी जो है एक दूसरे से जुड़े हुए शब्द है, एक दूसरे के पूरक है। एक शिक्षक है वो शिक्षार्थी के बिना अधूरा है, और एक शिक्षार्थी है वो शिक्षक के बिना अधूरा है। तो अगर हम उन दोनों के सहयोग की साथ की बात करते हैं तो उन दोनों का जो रिलेशनशिप है एक दूसरे को पूरा भी करता है और आगे अग्रसर भी करता है। अगर एक शिक्षक अपना शिक्षण कार्य ढंग से करता है तो वो उसके जीवन में एक सेटिस्फेक्शन लाता है और उसे आगे उत्तरोत्तर वृद्धि करने में मदद करता है। और अगर एक शिक्षार्थी अपने उस संबंध को बहुत अच्छा बनाता है तो जो शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, वो बहुत अच्छे से फलीभूत होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप क्या है। सो हमारी जो PPT प्रेजेंटेशन है इसमें हम साफ देख सकते हैं कि जब भी हम किसी चीज की प्रायोगिकता की बात करते हैं तो उसमें तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, व्हाट, वेयर एंड व्हाई। तो हम यह देखेंगे कि स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप क्या है व्हेन वी आर आस्किंग अबाउट। तो अ पॉजिटिव रिलेशनशिप एफर्ट टू गेन अ म्यूचुअल ट्रस्ट एंड रेस्पेक्ट। अगर बहुत पुराने जमाने के अंदर अगर हम देखते हैं
तो जब शिक्षण प्रक्रिया की जाती थी तो इसके दो डायमेंशन है। पहला जो डायमेंशन है वो है जो टीचर सेंट्रिक टीचिंग एक्सपर्ट होते एक्सपीरियंस होते थे वो, और अभी जो हम बात करते हैं वो स्टूडेंट सेंट्रिक हो चुकी है। यानी कि हम सारी चीजें स्टूडेंट को सेंटर में उसको मद्देनजर रखते हुए उस टीचिंग प्रोसेस को क्लासरूम में या स्कूल के पूरे कैरिकुलम में पूरे दिन करते हैं। अगर इसे एक और कदम आगे बढ़ा जाए, क्योंकि अब हमारा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आ चुका है, पर यहाँ पर जो स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप है उन दोनों ही के लिए बहुत जरूरी है कि वो एक दूसरे का सहयोग करके और इस रिलेशनशिप को बहुत स्ट्रांग बनाए, तो यहाँ पे ट्रस्ट और रेस्पेक्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। पर ये कहाँ होता है, वेयर इट विल डेवलप। सो इट कैन बी डेवलप इन सिंगल क्लासरूम और इट कैन बी डेवलप इन अ होल कैरिकुलम शेड्यूल। और ये क्यों होना चाहिए, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज गेटिंग टू नो ईच अदर बेटर, वो एक दूसरे को बेहतर समझ पाए, प्रोवाइडिंग चॉइसेस फॉर टीचिंग लर्निंग एफर्ट्स। देखिए बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है कि हर एक टीचर अपने आप में अलग होता है, उसकी चॉइसेस, उसकी प्रैक्टिकल्स, उसकी उसका हुनर, उसकी कैपेबिलिटीज अलग होती है। वैसे ही एक स्टूडेंट भी अपने आप में बहुत ही डिफरेंट और यूनिक होता है। तो उन दोनों के जो कॉम्बिनेशन है वो एक दूसरे को बेहतर समझ पाए और अपने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को और ज्यादा बेहतर कर पाए, इसलिए इस रिलेशनशिप को स्ट्रांग होना चाहिए। एंड फाइनली डेफिनेटली द मोटिवेशन फॉर स्टूडेंट एंड टीचर्स टू बिकम बेटर स्ट्रॉन्गर लर्नर। क्यों? क्योंकि टीचर भी प्रतिदिन कुछ ना कुछ सीखता है। बहुत तो अच्छी बात जी आपने कही कि टीचर भी प्रतिदिन कुछ ना कुछ सीखता है। इसी के साथ डॉक्टर आनंद मैं आपके पास आना चाहूंगी सर। जब भी हम इस तरीके की रिलेशनशिप में साइकोलॉजिकल थ्योरीज की बात करते हैं, साइकोलॉजिकल सपोर्ट सिस्टम की बात करते हैं, तो वो किस तरीके से काम करता है जब हम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस की बात करें, अधिगम की बात हो या फिर स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप की बात हो। डॉक्टर आनंद जी, गुड इवनिंग मैम, गुड इवनिंग एवरीबॉडी, गुड इवनिंग सर, कैन यू सी माय स्लाइड मैम? जी सर, it's student teacher student relationship, it's a really it's a important for a teaching learning process. Make this a very today's topic we are going to discuss, the navigation, the word the navigation. Let me give a simple example. If the ships are far away reaching to the destination, to the seashore, if the exact route is not finding, it's difficult to find, and who can show the direction properly? It's a lighthouse. There is a lighthouse in the on the other hand, so lighthouse can show the exact direction to reach the destination. So here in the word navigation comes to the classroom practices, and there are three important things, the three important persons. The one is teacher, the another one parents, the last one teacher, students, and all three together should work together in order to reach the destination. Students might be sitting in the classroom when they lose interest, even they are not interested towards learning process. How to navigate, how to attract towards learning? So according to National Education Policy 2020, highly stressing the importance of academic success and further beyond, not only academic success, and the student should reach there. It should be life based. It should be they should learn creatively, logically, so and etc. That is why the teacher students relationship we are coming to discuss. The first, and Alfred Bandura is from United States, and he was a professor from Stanford University. He was the Everest for the social learning in the classroom. His famous quote, let me say, self-belief does not necessarily ensure success, but self-disbelief assuredly spawns failure.
This is his one of his famous quotes. Now let us see an important key points. There are five key points and for teacher, students, and also parents, important. And the first one, observational learning. When students in the classroom, they observe many things. They observe that exactly the teacher, how he is delivering the content. And also when students interacting with each other, they observe and learn. They learn the positive things. They could also learn the negative things. So it is important that teacher, how carefully and effectively deliver or facilitate the learning, because it's directly and also indirectly affect the learning. So let us move on to second one, modeling. How the teacher plays an important role in modeling. No need to say honesty is the best policy. When the teacher exactly being honest in the classroom, being justice to students, they observe, naturally they observe and follow, try to imitate exactly what the teacher is. Similarly, in the groups, peer group learners, exactly they observe the expert or professional classmates, experts in the group, they observe and try to imitate. For example, how the individual or the expert communicate in the classroom, how in a stylish way, how he or she pronounce exactly. So trying to imitate, this is a modeling. So modeling behavior also is one of the best way to improve their academic success. And let us move on to the reinforcement. And teacher plays a predominant role in order to make the learners or travel together in the classroom, classroom learning process. It is very important reinforcing. The kind of reinforcement providing the teacher as well as the group members and making everyone in the group the responsibility, and how exactly the teacher is using the right appraisal words. For example, excellent, awesome, wonderful, and based on the performance of the students and teacher should reinforce. So naturally they can come into the mainstream of learning for academic success. Let us see the another one, self-efficacy. Self-efficacy and teacher highly should focus towards in order to develop self-development of each and every individual. This is the problem by the teacher is and not motivating all students. All students must be successful in the classroom, successful in their future, and able to challenge their future. So, and little by little, they have to develop the confidence, assigning simple tasks. So self-confidence, developing self-confidence is also a play important role. Now lastly, let us move on to vicarious learning. Vicarious learning, it's related to social norm. How socially they learn together. When, how they communicate, how others, the peer groups behave in a different situation, how they are socially adjustable, how they emotionally well balanced, all these things, and the children who suffer or unable to cooperate can observe and come into the mainstream. So that social, mm-hmm. pro-social activities, pro-social skills could be developed. So all these five key points very important. जी बिल्कुल for academic success. जी जी. Now let us move on to another important theory. Edward Deci and Ryan, and they are from, both are friends, and they are professors from University of Rochester from US, and they focus the key points. The key points are, the first one is autonomy, and second one is competence, and third one is relatedness.
जी बिल्कुल, मैं आऊँगी डॉक्टर आनंद आपके पास इसी के साथ। दीपेश सर, मैं आपके पास आना चाहूँगी कि जैसा कि अभी आनंद सर ने कहा कि ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, बट जब हम स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप की बात करते हैं तो ये सही एप्लीकेबल नहीं होता। तो हाउ कैन वी डेवलप गुड रिलेशनशिप बिटवीन स्टूडेंट एंड टीचर? क्या कुछ स्ट्रैटेजीज हो सकती हैं, किस तरीके से इसको बहुत प्रैक्टिकली क्लासरूम में और स्कूल में इस चीज़ को एप्लीकेबल किया जाए ताकि स्टूडेंट को भी फ़ायदा मिले और अभिभावक को भी, और साथ में जो टीचर है और जो समाज है उन्हें भी? जी मैम, जैसा कि हम कहते हैं कि येषा न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म के मित्रलोके भूमि भार भूता मनुष्य रूपेण नृगाः चरन्ति। यानी जो विद्या है वो अगर किसी इंसान में नहीं है तो उसमें न तप होगा, न ज्ञान होगा, न दान होगा, न शील होगा और न गुण होगा। तो अगर हम किसी जगह पर या किसी भी इंसान के अंदर जो बेसिक एडवांसमेंट है, चाहे वो इंस्पिरेशन है, चाहे सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस है, वो सारी चीजें लाना चाहते हैं और हम अपने क्लासरूम के अंदर प्रैक्टिकल तौर पर अगर ये रिलेशनशिप स्ट्रांग बनाना चाहते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये समझने की जरूरत है कि ये एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग वर्क है। इट इज नॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टीचर्स ऑनली और इट इज नॉट द वर्क ऑफ स्टूडेंट ऑनली। इफ दे विल वर्क टूगेदर देन दे कैन डू। सो प्रैक्टिकल अप्रोचेज हमारी क्लासरूम में क्या हो सकती है? लव एंड केयर सबसे ज्यादा जरूरी है कि वो एक दूसरे के साथ में सहयोग करे, एक दूसरे के साथ में कोऑर्डिनेट करे और एक दूसरे के प्रति सम्मान रखे। नॉलेज अपडेट्स हो सकती है। अगर एक टीचर को अपनी तरफ से इस रिलेशनशिप को बहुत स्ट्रांग बनाना है तो उसकी नॉलेज है वो बहुत अपडेट होनी चाहिए। रीजन क्या है? आप देखते हैं कि नए नए दौर में नई नई चीजें इंफॉर्मेशन आती है, पता है प्रॉब्लम कहाँ होती है? स्टूडेंट अपने टीचर पे बहुत ट्रस्ट करता है, उसने जो पढ़ाया वो बिल्कुल सही। आपने देखा होगा बिल्कुल छोटी नर्सरी क्लास के बच्चे वो घर जाते हैं और घर जाने के बाद में जब उनकी मदर्स या उनके जो अभिभावक है उन्हें होमवर्क करवा रहे होते हैं तो उसे वो डी लिखना या फिर ई लिखना सिखाते तो हर एक जो हैंड मूवमेंट होता है वो अलग टाइप के होते हैं। तो बच्चा बिल्कुल जिद करता है कि मेरी टीचर ने इसको ऐसे सिखाया है, ये ऐसे ही बिल्कुल सही कह रहे हैं। एब्सोल्युटली राइट सर, एब्सोल्युटली राइट, क्योंकि वो बच्चों कहते हैं नहीं नहीं मेरी मैम ने या मेरे सर ने ऐसे बताया है। तो ये जो ऐसे बताए वाला जो जेस्चर और जो वोकैबुलरी होती है बच्चों की, वो कहीं ना कहीं उनका बैक ऑफ द माइंड, जो उनका सेट ऑफ माइंड होता है वो ये होता है कि हाँ ये सही है मेरे टीचर, वो ट्रस्ट लव रिस्पेक्ट वाली जो आप बात कह रहे हैं ये सही कह रहे हैं। बिल्कुल, तो वो टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप तो देखिए बच्चे ने अपनी तरफ से बचपन में बहुत स्ट्रांग शुरू कर दिया था, वो बॉन्ड वहां तैयार हो चुका है। लेकिन ये बॉन्ड बना कब रहेगा? जब टीचर अपनी नॉलेज जो है वो हमेशा अपडेट रखेगा। टीचर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हर एक नॉलेज, ऐसा मत सोचिए कि मैं पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, पर्टिकुलर चैप्टर में इतने सालों से पढ़ा रहा हूँ तो इसे तो बस मुझे मुख कंठस्थ हो चुका है या फिर ये तो मुझे लर्न है पूरा, मैं हमेशा इसको सही से पढ़ा सकता हूँ। नहीं, उसके अंदर नई चीजें इनोवेटिव कैसे हो सकती है, उसको क्लासरूम में कैसे ज्यादा इनोवेटिव तरीके से पढ़ाया जा सकता है, उसके अंदर फन ऐड किया जा सकता है, उसके अंदर टेक्नोलॉजी ऐड की जा सकती है, उसके अंदर नए नए टीचिंग एड्स डाले जा सकते हैं जिससे कि बच्चे उसे ज्यादा अच्छे से समझे और वो कहीं ना कहीं ये अपना ट्रस्ट जो बचपन में उनके साथ बना है वो बना रह सके। तो यहाँ पे नॉलेज अपडेट बहुत जरूरी चीज है, सबसे जरूरी चीज होती है ट्रस्ट। अब बच्चों की तरफ से क्या आना चाहिए? ट्रस्ट। बाय द वे, कभी कुछ कॉन्टेंट अगर टीचर बताता है और वो उनके पुराने नॉलेज से कुछ अलग है तो उनमें वो ट्रस्ट होना चाहिए, रेस्पेक्ट होनी चाहिए। बिना रेस्पेक्ट ऑब्वियसली इन दोनों इस रिलेशनशिप को नरिश नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट, हमारी जो क्वालिटी है ऑल इक्वलिटी होनी चाहिए। एक टीचर की तरफ से क्या होना चाहिए? देखिए, क्लास इज अ काइंड ऑफ गार्डन। जिस तरह से गार्डन में अलग अलग फ्लावर्स होते हैं उसी तरीके से टीचर जो होता है वो अलग अलग सालों नए नए बच्चों से मिलता है, कहीं ना कहीं उसके दिमाग में प्रेजम्पशन हो जाता है कि पिछली क्लास का जो बैच था उसके बच्चे जो थे वो मेरे ज्यादा क्लोज थे, नए बच्चे आए हैं, कभी वो थोड़े से नटखट हो सकते हैं। लेकिन हमें ऑल इक्वलिटी रखनी है। क्लास में जितने भी बच्चे हैं उन सबके साथ में अगर हम सेम अप्रोच रखेंगे, उनको एक्सेप्ट करेंगे तो ये रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग होगी। फिर आता है एफर्मेटिव अप्रोच ऑफ मिस्टेक। बच्चे मिस्टेक करते हैं, पता है एक नया कॉन्सेप्ट चला है। पहले क्या होता था, किसी बच्चे ने गलती की तो आप उसे पनिशमेंट दीजिए, बच्चा होमवर्क नहीं करके लाया तो उसे आप क्लास में खड़ा करके पूछिए और इस तरीके से
हम अप्रोच कर देते, लेकिन नहीं, अब हम टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए नई चीज करते हैं, एफर्मेटिव अप्रोच है। किसी बच्चे ने कोई मिस्टेक किया तो उसे वो मिस्टेक के बारे में बताते हुए, जिस बच्चे ने वो मिस्टेक नहीं की है या उस एरिया में अपने नए एफर्ट डाले और उस मिस्टेक से बचा है, तो उसको एक आइडियल एग्जाम्पल के तौर पे आप क्लास के अंदर प्रेज कर सकते हैं। अगर कोई बच्चा होमवर्क करके लाया है तो नहीं करने वालों को डांटने की बजाय जो करके लाया है उसके साथ में आप उसे स्टार दीजिए, आप उसे क्लास के अंदर प्रेज कीजिए, उसके लिए क्लैपिंग करवाइए। तो जो बच्चे मिस्टेक है उसके प्रति अगर टीचर एक अफर्मेटिव अप्रोच डालता है तो बच्चे मिस्टेक करना भूल भी जाते हैं और उसका एक ऑप्शन भी उनके दिमाग में आता है। सो अगेन, इस तरह की अप्रोचेस बहुत इंपॉर्टेंट है क्लासरूम रिलेशनशिप को बढ़ाने के लिए। फिर आता है फ्री ब्रीदिंग। क्लास के अंदर जब टीचर एंटर करता है तो वो एक खुले माहौल के साथ में, जब वो एंटर करे तो वो एक स्माइलिंग फेस के साथ, एक ग्रीटिंग फेस के साथ करे और बच्चों के साथ में जाके पूछे कि कैसा रहा आपका कल का दिन, चलिए कल की जो पढ़ाई की उसमें से कितना याद है, कोई बात नहीं, अब हम उसे वापस से लर्न करते हैं, आगे सीखते हैं। तो इस तरह के फ्री ब्रीदिंग माहौल होगा, बच्चा अगर कोई परेशानी में है तो अगर वो टीचर के पास में आकर के अपनी प्रॉब्लम बता पा रहा है, वो बता पा रहा है, वो फ्री ब्रीदिंग का एक बहुत ज्यादा बड़ा सिंबल है। तो हमें हमेशा अपनी क्लास का माहौल ऐसा बना के रखना है कि लास्ट बेंच पे बैठा हुआ बच्चा भी आपके साथ उतना ही कनेक्ट करे जो फर्स्ट बेंच के साथ बैठा हुआ है, और वो फ्री ब्रीदिंग जितनी बढ़िया होगी उतना ही ये रिलेशनशिप स्ट्रांग होगा और डेफिनेटली बच्चों का एकेडेमिक अचीवमेंट, जो हमारा सबसे बड़ा टारगेट होता है कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए, वो होगा। फिर बात करते हैं इनोवेटिव अप्रोच। डेफिनेटली अगर एक टीचर इनोवेटिव है, आजकल AI आ चुका है, आजकल नए नए मॉडल्स बनते हैं, बहुत सारे टीचिंग एफर्ट्स होते हैं कि हम जैसे कि एक बायोलॉजी टीचर को अपनी क्लास में जाकर के वाटर साइकिल पढ़ाना है तो जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ से टेक्स्ट में पढ़ाए, जरूरी नहीं है कि वो उसे सिर्फ बोर्ड पे ड्रॉ कर दे, वो अपने साथ कुछ कंटेंट लेके जा सकता है और वहां पर उसका जो कन्वर्शन है कि किस तरह से कंडेंसेशन होता है, किस तरीके से वेपोराइजेशन होता है, किस तरीके से पानी अर्थ, बिल्कुल जैसा कि हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी कहती है कि प्रैक्टिकलिटी के साथ उनको कनेक्ट करना है बच्चों को, कि किस तरीके से जो उनको नॉलेज है वो प्रैक्टिकल भी मिले, सिर्फ रटाफिकेशन थ्योरी ना हो। समय की कमी है तो मैं चाहूंगी कि सर आप वन लाइन में इस पूरे विषय को, इस टॉपिक को कंक्लूड करें सर। ओके, जो हमारा स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप है दैट इज द बेस एंड फाउंडेशन, ये एक ऐसी जमीन है कि उसके अंदर अगर हम ज्ञान के अपने बीज डालते हैं, व्हेन वी सो द सीड्स ऑफ नॉलेज देन दे कैन ग्रो इन अ बेटर वे, वो दिमाग में इतने बढ़िया वृक्ष बन सकते हैं। और अगर जमीन बहुत ज्यादा नरिश्ड है, बहुत ज्यादा पोषित है, तो इससे जो ज्ञान का पेड़ होगा वो पल्लवित होगा, बच्चों के दिमाग में नए नए आइडियाज के फ्लावर्स लगेंगे और इस भारत के भविष्य को नए नए फ्रूट्स मिलेंगे जो कि एक अच्छे नागरिक के तौर पे डेवलप होंगे। और स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप के अंदर जितनी भी चैलेंजेस, चाहे वो डिजिटल डिस्ट्रैक्शन हो, चाहे वो कल्चरल जनरेशन गैप हो, चाहे वो डिस्ट्रप्टिव बिहेवियर हो, इन सारी चीजों को टारगेट करते हुए हम एक ऐसा माहौल बनाएंगे कि बच्चे आगे की तरफ ग्रो करेंगे और टीचर अपने सेटिस्फेक्शन के साथ, जब वो क्लास में एंटर करके वापस निकलेगा तो अपने सेटिस्फेक्शन स्माइल के साथ कि हाँ, मैंने अपने करियर को भी आगे बढ़ाया और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने प्रति, बच्चों के प्रति और देश के प्रति निभाई, इस तरीके से दोनों का सेटिस्फेक्शन और डेवलपमेंट हो सकता है। बहुत ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया सर आपने। डॉक्टर आनंद, जल्दी से वन लाइन में इस विषय को मैं चाहूंगी कि आप कंक्लूडिंग वन लाइनर कंक्लूडिंग रिमार्क दें सर। डॉक्टर आनंद। यस मैम जी, फाउंड दिस, इट्स वन लाइन हियर, book is important, bookish learning is important, and more than that, student is most important. Student centric learning is important, and because their future life is most important, how the teacher is focusing, because children are nowadays suppressed because of the academic achievement should not be suppressed or depressed their minds, and rather it should be a healthy and happy life and joyful life. The teacher and student, once the teacher and student relationship is broken, whatever the strategy the teacher is designing, artificial intelligence or
मशीन लर्निंग और रोबोटिक रोबोटिक लर्निंग और वॉट एवर द स्ट्रैटेजी माइट प्लान बट ऑल विल बी फेलियर बिकॉज द टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप इज मिसिंग. सो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है. बिल्कुल आपने सही कहा कि बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है. और अगर हम दूसरे शब्दों में समझे तो बच्चे के लिए दो सपोर्ट सिस्टम घर में अगर पेरेंटिंग तो अगर हम स्कूल की बात करें तो वो स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप है और हर कीमत पर हमें बच्चे को उसका सपोर्ट सिस्टम देना है ताकि वो मजबूती से जीवन में आगे बढ़े. और इसी के साथ मेरे दोनों एक्सपर्ट डॉक्टर आनंद डॉक्टर दीपेश आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू सो मच आपने इस डिस्कशन में हिस्सा लिया और एक कुछ टिप्स जो हमारे अभिभावकों को हमारे टीचर्स को और हमारे बच्चों को भी मिली उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया. तो अभी के लिए इस सेशन में इतना ही. सोच में सकारात्मकता लाएं, जीवन को बेहतर बनाएं. मनोदर्पण पर कॉल लगाएं, मनोबल अपना और बढ़ाएं. मनोदर्पण पर कॉल लगाएं, मनोबल अपना और बढ़ाएं. चलो आज ही प्रण ले हम, मानसिक स्वास्थ्य सुधारे हम. चलो आज ही प्रण ले हम, मानसिक स्वास्थ्य सुधारे हम. मनोदर्पण के काउंसलर से परामर्श पाने के लिए डायल करें टोल फ्री नंबर 8448440632. नंबर एक बार फिर सुने 8448440632.